ये बतख है गाइस नीचे। कुछ ऐसा है कि पिथौरागढ़ के जितने भी दाह संस्कार होते हैं तो यहीं पे होते हैं रामेश्वर घाट पे, और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे दिख रहा है गाइस। देखें यहाँ पे दूर दूर से बसें आती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे देहरादून से, दिल्ली से गाड़ियाँ आती है दूर दूर से, और आप भी आ सकते हैं डिपो बस से। ये सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे पहुँच के, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। घाट में तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी गाइस। ये जो मार्केट दिख रही हुई गाइज आपको, ये पूरी चंपावत की मार्केट है, और कुछ इस तरह की हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे गाइज ये। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आप सबका के ब्लॉग्स में, मतलब कैसा कुंदन ब्लॉग्स में। गाइज अभी मैं हूँ पिथौरागढ़ से 12 किलोमीटर नीचे गुरुना मंदिर पे, और देखिए यहाँ पे काफ़ी जो यात्री यात्रा करते हैं इस लाइन से, और यहाँ पे गुरुना माता का मंदिर है, और अवन जान में ऐसा है कि मतलब टीका चंदन करके आगे सफ़र शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, गुरुना माता के दर्शन कराता हूँ, चलिए। गाइस देखिए किस जगह पे मंदिर बना हुआ है, और ऊपर देखिए चट्टान है, चट्टान को काट के यहाँ पर रोड चौड़ी की गई है, और बहुत ही शानदार मंदिर यहाँ पर। और नीचे की तरफ देखिए कुछ इस तरह की खाई है, मंदिर के पीछे का व्यूज कुछ इस तरह का है, इस तरह की खाई है, और ये रोड जा रही है ऊपर को पिथौरागढ़ के लिए। और अगर कभी आपका गर्मी के मौसम में आना जाना तो इस मंदिर पर देखिए कुछ इस तरह की ककड़ियाँ मिलेंगी आपको, बिल्कुल चटपटे नमकीन और मिर्चदार, जो गर्मी में एक ठंड का एहसास देंगी। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी यात्री लोग यहाँ पर रुकते हैं, और गाड़ियाँ रुकती हैं, और यहाँ पर टीका चंदन करते हैं, और सफ़र आगे शुरू करते हैं टीका चंदन करके। सो गाइस आज का सफ़र है पिथौरागढ़ से लोहाघाट चंपावत का, और मैं आपको पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा किस तरह का मेरा सफ़र रहता है, और क्या कुछ चीज़ें मुझे इस लाइन में देखने को मिलती हैं। सो गाइस मंदिर पर टीका चंदन कर लिया, और अभी बढ़ते हैं आगे लोहाघाट की तरफ। तो गाइस गुरुना मंदिर पर टीका चंदन करके अभी थोड़ा आगे पहुँचा हूँ मैं, आपको बता दूँ यहाँ पे से किस तरह का सफ़र है और किस तरह की रोड है यहाँ से। तो अभी इस रोड से आया मैं गाइस पिथौरागढ़ से, और देखिए ये रोड यहाँ से जा रही है आगे को, और कुछ इस तरह की रोड है, और सामने से कुछ इस तरह के बैंड है गाइस, ये 3-4 बैंड कुछ इस तरह के पड़ते हैं इस लाइन से, और नीचे है घाट। यहाँ पर से देख सकते हैं गाइज इस चंपावत 58 और लोहाघाट 45 किलोमीटर का सफ़र, और बाकी है अभी यहाँ से। सो गाइज देखिए गुरुना से लगभग 5 किलोमीटर नीचे अभी आया हूँ, और यहाँ पे देखे है व्यू पॉइंट है यहाँ पर। आप देखते हैं किस तरह का व्यू यहाँ पे से दिख पाता है, अभी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किस तरह का व्यू हमें दिख पाता है, चलिए देखते हैं। सो गाइज देखिए कुछ इस तरह का व्यू पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, और आप कभी अगर आते हो पिथौरागढ़ को तो इस व्यू पॉइंट पे जरूर आइएगा, और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे से किस तरह का व्यू हमें दिख पाता है सामने।
जो नीचे रोड दिख रही है गाइस, ये रोड जाएगी घाट तक। घाट से हमारी रोड जो है इधर को कट जाएगी चंपावत लोहागार चंपावत के लिए। और जो रोड उधर दिख रही होगी गाइस आपको, वो है अल्मोड़ा वाली रोड। और देखिए जो नदी आपको दिख रही है गाइस, ये है रामगंगा नदी। और जो जगह वहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आपको नदी दिख रही है, ये है रामेश्वर घाट। तो कुछ ऐसा है कि पिथौरागढ़ के जितने भी दाह संस्कार होते हैं तो यहीं पर होते हैं रामेश्वर घाट पर। और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पर दिख रहा है गाइस, देख। और व्यूज़ देखिए काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। अभी बरसात के मौसम है, जुलाई का महीना है, और कुछ इस तरह की हरियाली दिख रही है। और ये रोड है पिथौरागढ़ के लिए, और ये नीचे को अगर जाते हो तो आप चंपावत के लिए। बरसात का मौसम है अभी और काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है इस समय पहाड़ों में। पिथौरागढ़ NH9 गाइस काफ़ी ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, दूर दूर से लोग आते हैं और जाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है पिथौरागढ़, कभी आइए तो ज़रूर देखिएगा पिथौरागढ़ किस तरह का है। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे जैसे हम यहाँ से पिथौरागढ़ को ऊपर को चढ़ते रहते हैं ना, तो टेम्परेचर घटता रहता है। और जैसे जैसे हम पिथौरागढ़ से नीचे घाट की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। मतलब कुछ ऐसा है जैसा कि मतलब नीचे को आएंगे गर्मी होगी, क्योंकि नीचे नदी है, काफ़ी घाटी क्षेत्र है, तो उस वजह से गर्मी होती है। और पिथौरागढ़ जो है हाइट पे है, जिस वजह से वहाँ ठंडा होता है। तो गाइस अभी निकलना है ऐसे ही नीचे आगे को घाट की तरफ, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा काफ़ी कुछ चीज़ें और कितनी गर्मी है वहाँ पर, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। ये बतख है गाइस। सो गाइस पिथौरागढ़ से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी पहुंच चुके हैं इस जगह घाट पर। और इस घाट पे है क्या चीज़, अगर आपको पिथौरागढ़ जाना था गाइस, तो ये पुल से पार जहाँ से मैं आया, यहाँ से ऊपर को जाना पड़ेगा। यहाँ से 30 किलोमीटर है पिथौरागढ़। अगर आपको अल्मोड़ा जाना है तो आपको इस तरफ को कटना पड़ेगा। अगर आपको चंपावत लोहागढ़ जाना है तो आपको इस तरफ को कटना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का रूट है गाइस यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और अभी चलते हैं हम इस लाइन की तरफ लोहागढ़ चंपावत को। गाइस पिथौरागढ़ के मुकाबले इस जगह पे गर्मी ज़्यादा है। पिथौरागढ़ काफ़ी ऊंचाई पे है और वहाँ ठंडा मौसम है, और ये घाटी क्षेत्र है, नीचे नदियाँ हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर गर्म है। गाइस अभी पहुँचा मैं घाट से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर। ये जगह है व्यू पॉइंट संतोली, तो एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पर से देखते हैं किस तरह का व्यू दिखता है हमें, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर किस तरह का व्यू दिखता है हमें बेहतर तरीके से। ये रोड है गाइस, इसी रोड से जाना है हमें। और देखिए दो टावर दिख रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी देवदार का पेड़ है शायद यहाँ पे, मुझे लग रहा है ऐसा। और हाइट पे तो मौसम भी ठंडा होगा उस जगह पे, और मौसम अभी देख सकते हैं आप, बादलों वाला मौसम हो रहा है अभी, शायद बारिश भी हो सकती है। सो गाइस यहाँ तक का सफ़र देखा आपने, कुछ इस तरह का सफ़र रहा मेरा। कुछ इस तरह की रोड है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इस रोड से आए हम पिथौरागढ़ से, और ये लोहागढ़ चंपावत के लिए। सो गाइस अभी पहुँचा पिछले व्यू पॉइंट संतोली से 10 किलोमीटर ऊपर। ऊपर मतलब आपको दिखाया था जो व्यू मैंने, कि काफ़ी ऊंचाई वाली जगह है, देवदार के पेड़ हैं और दो टावर हैं, तो उस जगह पर मैं पहुँचा हूँ गाइस अभी। और देखिए यहाँ पे काफ़ी देवदार के पेड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, और जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ठंडा भी है। घाट की गर्मी से काफ़ी अच्छी राहत मिली मुझे यहाँ पर पहुँच के, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मैं एक बार आपको यहाँ पर से बेहतर तरीके से दिखाता हूँ इन देवदार के पेड़ों का व्यू किस तरह से दिख पाता है, और कैसा लगता है आप भी बताइएगा। सो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे पहुँच के, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। घाट में तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी गाइस। सो घाट पहुँचने वाले हैं, सो देखते हैं। अभी भी 10 किलोमीटर का सफ़र और है। सो गाइस पिथौरागढ़ से 60 से 65 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच चुका हूँ अभी लोहागढ़ मार्केट। और देखिए लोहागढ़ की मार्केट, कुछ इस तरह की मार्केट दिख रही है यहाँ पर लोहागढ़ की, और ट्रैफिक काफ़ी है मार्केट में, भीड़ भाड़ सही है मार्केट।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप गर्मी के मौसम में किसी हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं तो लोहाघाट भी एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। यहाँ से चंपावत कितना किलोमीटर है अभी? 13 किलोमीटर। तो यहाँ से चंपावत का सफ़र है अभी 13 किलोमीटर का। बालों वाला मौसम हो रहेगा, शायद बारिश भी हो सकती है। लोहाघाट की मार्केट कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ पर। गाइस ये है लोहाघाट डिपो स्टेशन और यहाँ पर दूर दूर से बसें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देहरादून से, दिल्ली से गाड़ियाँ आती हैं दूर दूर से, और आप भी आ सकते हैं। तो और काफ़ी अच्छा लोकेशन और व्यू है इधर, देखिए चारों तरफ देवदार के पेड़ बड़े शानदार लग रहे हैं गाइस मुझे यहाँ पे। सो देखिए आप भी और बताइए किस तरह का लगा आपको ये व्यू लोहाघाट का। लोहाघाट तक का सफ़र कुछ इस तरह का रहा, गर्म जगह से ठंडी जगह और काफ़ी शानदार व्यूज़ देखे। और अभी बढ़ते हैं यहाँ से चंपावत को, यहाँ से 13 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है चंपावत के लिए। चंपावत भी बड़ी शानदार जगह है सुना है मैंने, तो अभी चलता हूँ मैं और देखता हूँ और आपको भी बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस लोहाघाट से आगे मानेसर व्यू पॉइंट पर पहुँचा हूँ अभी और दिखाता हूँ मैं यहाँ से आपको चंपावत किस तरह का दिख रहा है। देखिए यह चंपावत किस तरह का दिख पा रहा है हमें। ये जो मार्केट दिख रही हुई गाइज आपको, ये पूरी चंपावत की मार्केट है और कुछ इस तरह की हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे गाइज ये। अभी तो है लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र और चंपावत पहुँचना, और देखिए व्यू पॉइंट से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है चंपावत का। सो गाइज मैं एक बार आपको बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है चंपावत की मार्केट। व्यू पॉइंट से कुछ इस तरह का दिख रहा है गाइस चंपावत का मार्केट। और अभी चंपावत यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र और है चंपावत पहुँचना। सो मैं चंपावत तक पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ चंपावत की मार्केट किस तरह की दिख सकती है। गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ चंपावत, और ये है चंपावत का रोडवेज स्टेशन डिपो स्टेशन चंपावत, और कुछ इस तरह का दिखता है स्टेशन। देखिए गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ चंपावत गाइस, और ये है रोडवेज स्टेशन चंपावत। सो गाइज फाइनली पहुंच गया हूँ चंपावत की मार्केट, और ये है चंपावत की मार्केट। देखिए गाइज जिस तरह की मार्केट है, चंपावत टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, बहुत ही शानदार मार्केट। और ये है चंपावत की मार्केट, बहुत ही शानदार मार्केट, और देख सकते हैं काफ़ी देखने लायक मार्केट है यहाँ पे चंपावत की। और कुछ इस तरह का रहा मेरा सफ़र आपने देखा। बताएगा फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और कमेंट कीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा।